हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फ्रेश एपिसोड ऑफ 05 कैश स्टार्टर भाई। आज के एपिसोड से फिर से मैं आया हूँ गुलमर्ग में। गुलमर्ग में क्यों आया हूँ वो बताऊंगा मैं अभी आपको कि मैं क्यों आया हूँ गुलमर्ग। और भाई ये जी काम हो रहा है यहाँ पे जो गुलमर्ग में इग्लू का काम हो रहा है, एक बार चेक करता हूँ कि कैसे बनाते हैं यहाँ पे इग्लू, क्या प्रिपरेशन होती है, किस टाइप का है, चेक इट आउट। और ये रहा भाई, दिस आर ए काइंड ऑफ स्नो ब्रिक्स जो इग्लू में यूज़ होते हैं, ये देख लो। और यहाँ पे पूरा काम चल रहा है लेकिन बहुत बड़ा है, बहुत तगड़ा है। एक बार अंदर देखो भैया, कितना टाइम लगा इसको बनने में? अभी दो तीन दिन लग जाएंगे इसको और बनने में। तब तक मैं एक बार अंदर से चेक करता हूँ कि यार कैसा है ये, ब्यूटीफुल। और ये देख लिया आपने स्नो के ब्रिक्स, चेक चेक एक मिनट मैं बताऊँगा अभी। तो पहले चैनल का नाम, अरे वाव यार मैसिव, चेक आउट दिस, ये देख लो कितना ह्यूज है, बहुत ब्यूटीफुल। स्ट्रिंग अरेंजमेंट भी अभी नहीं बना है बट अभी काम चल रहा है इसका। ये शायद अपना जो कश्मीर का जो इग्लू बनता है ना, ये सबसे बिगेस्ट बनता है ना शायद, हाँ। पर आई डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन, बट जहाँ पे थोड़ा सा मैंने भी रिसर्च किया था लास्ट टाइम पे, जो गुलमर्ग में जो इग्लू बनते हैं ना, दैट पैंतालीस फुट। और ये कितने टाइम तक रहता है फिर, कितने महीने तक? मार्च अप्रैल तक। तो जैसे भाई बता रहे वहाँ पे कि यार ये मार्च अप्रैल तक रहता है, कि और कश्मीर इंडिया का सबसे बिगेस्ट जो इग्लू यहाँ पे बनता है। ब्यूटीफुल मैन यार, अब देखो काम कैसे चल रहा है यहाँ पे। और ये सीढ़ी आप देख रहे हो ना, ये पूरा ये बिल्कुल स्नो के ऊपर लगी है और ये बिल्कुल स्नो में काम चल रहा है यहाँ पे। लेकिन पत्थर भी ये कैसे बनते हैं, ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि अच्छा हाँ चलो एक बार मैं दिखाता हूँ आपको कि ये पत्थर कैसे बनते हैं यहाँ पे। क्योंकि ऐसा होता ना है कि यार कि जो स्नो होता है मेल्ट होता है, बट इसकी प्रिपरेशन लेट मी चेक इट। अच्छा, यहाँ से स्नो को उठाया जाता है ये साइड से और फिर मेरे गिरने के चांसेस अच्छे खासे। ओह तो यहाँ पे बन रहे पत्थर, एक बार यहाँ से दिखाता हूँ पूरा व्यू। ये देख लो भाई इग्लू समथिंग लाइक दैट, अंडरस्टैंड खुद कर लेना भाई। ये यहाँ पे पत्थर का काम चल रहा है। तो भाई ये चीज़ आप फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे कि ये देखो ये एक स्नो ब्रिक भी कह सकते हैं इसको, प्रिपरेशन हो रही है कि इग्लू के लिए यूज़ करने के लिए। और यहाँ पे कुछ बने हुए हैं। तो सर कैसे बनते हैं ये सारी चीज़ें, क्या क्या डालना, कुछ अलग सा कुछ डालना पड़ता है? सिर्फ पानी डाल और बर्फ, पानी और बर्फ, फिर इसको ठंड की वजह से जम जाता है। अच्छा ये देखो पानी भी डाल रहे ऊपर से और फिर शूज से प्रेस करते हैं इसको ताकि पूरा शेप में आ जाए ये सारी चीज़ें। ये देख लो ब्यूटीफुल यार। एंड व्हाट आई से कि यार वी शुड सल्यूट दीज गाइज, अभी आप देख सकते हो कितनी बर्फ हो रही है यहाँ पे, लेकिन बर्फ में भी ये काम कर रहे हैं यहाँ पे। रियली मैन सल्यूट करना चाहिए जैसे बंदों को। ये देख लो ये अभी भी बने हैं ना फ्रेश, ये अभी ऐसे कच्चे होंगे हैं। चलो भैया थैंक यू। मैं बता दूं कि यार ये चीज़ मैंने फर्स्ट टाइम देखी कि यार कि मेकिंग ऑफ इग्लो कैसे बन जाता है ये सारी चीज़ें, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि कैसे बनाते हैं ये सारी चीज़ें। क्योंकि यू नो स्नो भी मेल्ट होती है फिर यार, बट मैंने ये देखा कि इसमें सिर्फ एक तो स्नो रहता है, एक शेप देने के लिए एक क्रेड कहते हैं उसको, वो होता है, और पानी डालते हैं उसमें तो बन जाता है भाई। ये आप फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे कि यार कि कैसे बनाते हैं यार इग्लो भाई भाई कर रहे हैं, लेकिन यार सल्यूट मैन भाई, यार दिल से सल्यूट आप लोगों के लिए यार, इतने बर्फ में भी ये काम कर रहे हो यार, बहुत बढ़िया। तो अभी लग जाएंगे इसको, दो तीन दिन लग जाएंगे इसको, तब आ जाना एंजॉय कर लेना।